हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। जहाँ रहें खैर आफिया से रहें जी। सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बज गए हैं और अभी आज छुट्टी थी तो बच्चे जी सुबह सुबह भी सोए हुए थे और अभी अभी उठे हैं, थोड़ी देर ही हुई है। तो अभी इनका फेस वॉश करवाया है और अभी नाश्ता बना के हमने भी नाश्ता लगाया, तो अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। फातिमा भी उठी हुई है, माशाल्लाह से वो खेल रही है। आपसे मैं अपने सारे दिन की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। अभी सफाई वगैरह भी हमने कर ली, पहले सफाई की है बच्चों के उठने से पहले पहले, तो फिर बच्चे उठे हैं तो फिर हमने भी नाश्ता बनाया। माशाल्लाह से हम लोग ने नाश्ता कर लिया और अभी फातिमा को मैंने नहला के उसके कपड़े चेंज करके माशाल्लाह से, तो उसको भी मैंने सुला दिया है। अब हाब और हरम को नहलाऊंगी और उनके कपड़े चेंज करवाऊंगी। हीरा फातिमा को भी सिला दिया और हरम और वहाब को भी मैंने कपड़े चेंज करवा दिए। और हरम बास माशाल्लाह से अब पढ़ने बैठा हुआ है। हरम बास क्या पढ़ रहे हैं आप? वेरी गुड। एफ फॉर एफ फॉर एफ फॉर एरो। वेरी गुड। एफ फॉर एलिगेटर। ये ना हरम की बुक्स नहीं है वाली, ये वहाब अली के लिए लेके आई हूँ ताकि वहाब को भी ना थोड़ा थोड़ा सा शौक पैदा हो स्कूल जाने से पहले। तो हरम बास जिद कर रहा था कि मैं ना भाई की बुक्स पे लिखूँगा, तो फिर मैंने इसको दिया, चलो राइट कर लीजिए भी वहाब के काम देख के। वहाब तो भी बस ऐसे वहाब अली की क्या आके पढ़ के बताए मामा को। ये एप्पल है बेटे। हाँ जी, और क्या इधर? वेरी गुड वेरी गुड। जो हीरा है वो सो के उठ गई है। हरम और वहाब ने माशाल्लाह से लंच कर लिया और अभी वहाब जो फीडर पी रहा है और अभी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, सोएंगे, फिर उठ के अपनी बाकी की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। सोए उठे हैं तो वहाब और हरम ना उठते ही जिद पे थे कि शॉप पे जाना, चीज़ें लेनी है। ये अभी दोनों भाई जूस और बिस्किट लेके आए हैं अभी, तो अभी वहाब ने जूस और बिस्किट खाएगा। हम चने और चावल बनाने लगे हैं तो अभी मैं लहसुन छीनने लगी हूँ, साफ करने लगी हूँ। चिकन और आलू का सालन बनाएंगे, साथ चावल बनाएंगे, साथ रोटियाँ। बाहर ना तूड़ी वगैरह जो है जानवरों के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए ना खाना वगैरह बना कर वहाँ पर भी भेजना है, तो इसलिए हम साथ चावल भी बनाएंगे और रोटियाँ भी बनाएंगे। कुछ खाना उनको बाहर भेजेंगे और कुछ घर के लिए। चिकन बनाने के लिए सारा मटेरियल तैयार कर लिया है। अभी मैंने आलू भी काट लिया है, यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है, ये टमाटर और हरी मिर्ची और ये चिकन है। और अभी मैं जो है कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है, ये हल्का ब्राउन करेंगे। बन चुका है माशाल्लाह से चिकन जो है वो मैं फ्राई करने लगी हूँ। सवाल हमारा तैयार हो चुका है और अभी मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। चिकन को मैंने हल्दी, नमक और लेमन जो है वो लगा के रख दिया था। चिकन भी फ्राई हो चुका है, मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी है। दोनों मसाले मैं अब ऐड कर लिए और अब तब तक भूनूंगी जब तक घी अलहदा ना हो जाए। चिकन मेरा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी। ये देखेंगे माशाल्लाह से घी भी अलहदा हो चुका है। अभी मैं ना इसमें पानी ऐड कर लूँगी। माशाल्लाह से मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं जो है कुकर मैंने रख दिया था और अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ साथ। फिर रोटियाँ भी मैंने बना लिया सारी, तैयार हो गया खाना हमने लगा दिया, तैयार हो गया खाना हमने लगा दिया। अभी ये सिर्फ मैंने अपने लिए और छोटी सिस्टर के लिए रखा है, बाकी अभी अबू और भाई जो है वो बाहर हैं, वो आएंगे तो फिर उनको खाना देंगे हम जी। खाना वगैरह हम खा चुके हैं और बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए हैं, दूध वगैरह जो है वो समेट चुकी हूँ। तो अभी जो है वो बच्चों को सुलाऊँगी, फिर नमाज वगैरह भी पढ़नी है। तो अभी जो है आज के वीडियो में मेरी यही रूटीन थी आज के दिन की। बाकी जो भी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट डे की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ जो है
नेक्स्ट डे जो है वो शेयर करोगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।